जिला में अब तक 165 लोग बाहरी देशों से बिलासपुर पहुंचे हैं, जिसमें से 153 लोगों के आते ही टेस्ट किए जा चुके हैं और इनमें से 6 लोग पॉजिटिव आए हैं। पॉजिटिव आए लोगों के सैंपल अब आगामी टेस्टिंग के लिए NCDC दिल्ली भेजे गए हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परविंदर सिंह ने बताया कि देश में बढ़ रहे ओमिक्रॉन खतरे को देखते हुए सरकार के निर्देशानुसार बाहरी देशों से आने वाले लोगों को 7 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है और आते ही उनका RT-PCR टेस्ट किया जाता है। बाहरी देशों से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर कड़ी नजर रखी जा रही है और विभाग द्वारा उनकी प्रत्येक जानकारी एकत्रित की जा रही है। जानते हैं कि जो ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट था, ये जो ब्राजील से या साउथ अमेरिकन कंट्री से आया था, तो उस समय भारत सरकार ने कुछ एक दिशा निर्देश जारी किए थे कि जो विदेश से जो भी यात्री आएंगे उनको क्वारंटाइन किया जाएगा 7 दिन तक और उनका आते ही टेस्ट किया जाएगा RT-PCR और 8वें दिन टेस्ट किया जाएगा। तो अभी तक हमारे पास 165 लोग हैं जो जिला बिलासपुर में विदेश से आए हैं, उनमें से 153 लोगों का हमने आते ही टेस्ट किया है और केवल 6 लोग पॉजिटिव पाए गए, जिनके सैंपल हमने सीक्वेंसिंग के लिए NCDC दिल्ली भेजे हैं और 9 लोग ऐसे थे जिनकी लिस्ट हमारे पास आई थी लेकिन वो बिलासपुर जिला में नहीं आए, वो कहीं बाहर ही रहे, तो उनको छोड़ के बाकी के हमने सबके टेस्ट कर लिए हैं। जो पिछले दिन जो 3 लोग आए हैं उनके भी हम आज सैंपल ले लेंगे। इस तरह जितने भी विदेश से जो यात्री आए थे सबके हमने टेस्ट किए हैं। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए बिलासपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।